जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्लाह। आइए देखते हैं आज का एक खबरनामा। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में कुछ दिन कबल इलियास नवाब नामी एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई थी। इस मामले में पुलिस ने 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से 2 चाकू, 8 सेलफोन, 4 बाइक जब्त कर लिए हैं। रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश एम भगवत ने प्रेस मीट करते हुए तमाम तफसीलात बताई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। थोड़े रोज पहले हमारा बालापुर पुलिस स्टेशन में एक इलियास नवाब करके राउडी शीटर का मर्डर हुआ था नाइट के टाइम से। उस केस में आज हमने केस को डिटेक्ट करते हुए 8 जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट किया है। उन सबके डिटेल्स ये हैं। जो पहला जो मेन एक्यूज है जिसने सारा काम प्लान किया और अंजाम दिया वो साले बिन हफीज महरूस है। दूसरा है उसका भाई है अबू बकर बिन हफीज है। बाकी के जो 6 लोग हैं वो हैं इस्माइल बिन अब्दुल अजीज़, जाफिर बिन हवाली, बाबर हामदी, शेख माजिद अल हसन, इब्राहिम मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल कसेरी और मुनासिर अमीर बरासिर। इनमें जो बाबर हमदी और मुनासिर अमीर बरासिर हैं ये दोनों लोग बालापुर एरिया के रहने वाले हैं। बाकी के लोग चंद्रयान भुट्टा एरिया के रहने वाले हैं। ये जो जाफिर बिन हवाली है इसके ऊपर चंद्रगांव गुट्टा पुलिस स्टेशन में रौडी शिफ्ट हुई है। तो बेसिकली वाक्य ये है कि जो मरने वाला है इलियास नवाब उसका और जो मेन एक्यूज है हाफिज मारूस इसके साथ में इसका बिजनेस रिलेशनशिप था। इन दोनों ने मिलकर रियल इस्टेट का कुछ बिजनेस किया। बाद में दोनों में आपस में डिफरेंसेस आ गए, कुछ रंजिशें हुई और उन्होंने साथ में काम करना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इनके बाद में कुछ इश्यूज चलते रहते थे, एक दूसरे के ऊपर शक करना, कुछ ना कुछ करते रहना वैसा। तो इसी तरह चलते हुए ये 20 तारीख के दिन एक आदमी है जक्रिया बाम, वो जो मरने वाला है इलियास नवाब उसके घर के सामने से गुजरा तो उसी सीसीटीवी फुटेज में कवर हो गया। तो 20 तारीख के दिन ही ये 8 लोग जो है एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे डिसीज के घर से थोड़ी दूर में। वहाँ पे जो 8 लोग बर्थडे पार्टी करते उसमें जक्रिया नवाब भी आया। तो वहाँ पे जो डिसीज इलियास नवाब उसने उसको कॉल किया कि तुम मेरे घर से आगे से निकल के गए और वो लाउड स्पीकर पे बात कर रहा था। तो लाउड स्पीकर में बात करते हुए जो इलियास नवाब है उसने उसको गालियाँ भी देनी शुरू कर दी एवान को, हाफिज महरूस को। तो गालियाँ देते हुए उसने उससे फ़ोन पकड़ के खुद से बात की और दोनों ने एक दूसरे को धमकियाँ देनी और एक दूसरे को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया, गालियाँ देनी स्टार्ट कर दी। तो वहीं पे इन लोगों ने प्लान कर लिया कि हम इसको ख़त्म कर देंगे इलियास नवाब को। इसके साथ ही पहले का इंसिडेंट ये था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इलियास नवाब इसका एक लैंड है चंद्रयान भुट्टा एरिया में, वहाँ पर लैंड में कुछ उसने सीसीटीवी कैमराज वगैरह लगाए हुए हैं। वो सीसीटीवी कैमरास कोई चोरी करके ले गया करके इसको कुछ कंप्लेंट भी इसने दिया है और वो चोरी करने वाला जो है इसमें इसका पक्का हाथ है साले हफीज महरूस का, ये बन का वो भी इसको डाउट था। तो इसकी वजह से भी इन दोनों में काफ़ी रंजिश चल रही थी। तो जैसे ये 8 लोगों ने प्लान किया और प्लान के हिसाब से ये लोग बर्थडे पार्टी से जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैन अल्कवामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी,
फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आ रास्ता जर्मिंटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।